सो हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल भर्ती 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो बड़े स्तर पर वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है जहां से आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, एंड इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डायरेक्टरेट जनरल सशस्त्र सीमा बल, यहां पर आप चेक कर सकते हैं महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहां पर आप नोटिफिकेशन नंबर भी चेक कर सकते हैं जो आपका यहां पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई एएसआई हेड कांस्टेबल जीडी कांस्टेबल और ड्राइवर के पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। एंड इसी के साथ में हम बात कर लें दोस्तों अगर वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं वो 11,587 पदों पर वैकेंसीज हैं। बहुत बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं यहां पर पोस्ट नेम के बारे में, तो सब इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसीज है, मतलब कि एसआई के पदों पर वैकेंसीज है। इसी के साथ में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसीज है। हेड कांस्टेबल जीडी और ड्राइवर और कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसीज रखी गई है। 11,587 वैकेंसीज है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरीज को यहां पर 5 साल की छूट दी जाएगी, एंड इसी के साथ में ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी। आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों बहुत कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर पाएंगे। ssbrect.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी जिस पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर मैं बात कर लूं दोस्तों वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर पद के लिए 1098 वैकेंसीज रखी गई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए 1393 पदों पर वैकेंसीज हैं। हेड कांस्टेबल जीडी पद के लिए 2962 पद रखे गए हैं, वहीं कांस्टेबल पद के लिए 4929 पदों पर ये वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज है। ड्राइवर के लिए भी यहां पर 1172 पद रखे गए हैं। टोटल 11,587 पदों पर वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आप इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जरूर करें। अगर यहां पर मैं बात कर लूं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, वहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। हेड कांस्टेबल जीडी पद के लिए अगर आप 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और ड्राइवर पद के लिए अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस यहां पर होना जरूरी है। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं तो अगर आप यहां पर इंटरमीडिएट पास हैं तो आप किसी भी पोस्ट के लिए इजीली यहां पर जो है आवेदन कर सकते हैं। एंड यहां पर आपकी जो मोर देन है वो 32 ईयर आपकी एज लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 32 साल से अगर आप किसी भी प्रकार की छूट यहां पर ले रहे हैं तो आपकी 32 साल से एज लिमिट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम, इसी के साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ये 5 स्टेज रहेंगे जिनके आधार पर आपको सिलेक्शन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। एज लिमिट की मैं बात कर लूं तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए यहां पर मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए 20 से 25 साल, हेड कांस्टेबल जीडी पद के लिए 18 से 25 साल, कांस्टेबल पद के लिए 18 से 25 साल और ड्राइवर पद के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है।
इसी के साथ में आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सैलरी आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पद के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपए दी जाएगी। असिस्टेंट पद सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपको 35,400 रुपए से 1,42,400 रुपए आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड हेड कॉन्स्टेबल जीटी पद के लिए 25,500 से 81,100 रुपए आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। कॉन्स्टेबल एंड ड्राइवर पद के लिए 21,700 से 69,100 रुपए आपके यहाँ पर सैलरी बनने वाली है, जो कि हर एक पोस्ट के लिए आपको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। मतलब कि आपके लिए ये जॉब जो है एकदम से बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एंड एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन भर्तियों के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपनी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के आधार पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से घर बैठ करके भर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको कमेंट्स करने होंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए एक अलग से नई वीडियो लेकर के आ सकूं अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।